हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरी और एक फ्रेश एंड जबरदस्त वीडियो में। फ्रेंड्स देख सकते हैं आज है 25 मार्च, तो आज देख सकते हैं मेरे रोज़ गार्डन पे काफ़ी रोज़ खिला है। मैं हर रोज़ फ्लावर कट करता हूँ और उसको सेल कर देता हूँ, फिर भी आज आप देख सकते हैं कितना फ्लावर खिल रहा है। फिर भी मेरे इस 250 प्लांट्स के अंदर करीब 300 या 400 के आसपास फ्लावर खिल रहा है। फ्रेंड्स काफ़ी फ्लावर मैं अभी काट चुका हूँ, इधर से देख सकते हैं मैंने कुछ कट किया है और लेकिन काफ़ी अभी भी काटना बाकी है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के अंदर वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ, तो मैं बताना वाला हूँ कि 25 मार्च आज है लेकिन मैंने 15 दिन तक उसको कुछ केयर नहीं कर पाया कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन मेरा रोज़ प्लांट बहुत ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता था, देख सकते हैं 15 दिन के अंदर काफ़ी फ्लावर खिल रहा है, पत्ते भी सही है, मैंने जस्ट नया ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ है और फ्लावर भी आना शुरू हुआ है। अगर इस तरह से रहता तो काफ़ी अच्छा फ्लावर खिलता एक महीने के बाद, लेकिन आप अभी देखिए कि किस कंडीशन पे आ गया। ये देख सकते हैं उसके अंदर स्पाइडर का रेड माइट्स का अटैक हो गया, देख सकते हैं लीव्स पूरा ख़राब हो चुका है, ब्रांच भी काफ़ी ख़राब हो चुका है 15 दिन के बाद ही। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 15 दिन के बाद आप देख सकते हैं कंडीशन, पत्ता झड़ना शुरू हो गया, पूरा ख़राब हो गया पौधा। मैंने फ्लावर जो है उसका कंडीशन भी बहुत बुरा है, बहुत सारे फ्लावर को मैंने कट के फेंक दिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कंडीशन बहुत ही ख़राब है सारे पौधों के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं उसको तो नीचे से थोड़ा प्लांट्स तो उग गया है, तो मैं उसको क्लियर करके उसके बाद मैं उसको काउडंग और लेदर मिल देने वाला हूँ। देख सकते हैं पत्ता का भी ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने उसके अंदर 2 दिन 1 हफ्ते के डिफरेंस में सोनाटा का यूज़ किया है और नीम ऑयल का स्प्रे किया है, तो उसके बाद पौधे के अंदर थोड़ा सा तो जान आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्लावर भी काफ़ी ख़राब हो गया था, इसके अंदर सनबर्न हो रहा था, पूरा ख़राब हो चुका था। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं 2 बार सोनाटा यूज़ किया उसके बाद उसका कंडीशन काफ़ी अच्छा हो गया। लिप भी देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है, लेकिन 15 दिन के बाद लीफ तो नीचे वाला तो सही नहीं था, लेकिन ऊपर वाला कुछ सही हो चुका है। देख सकते हैं नया वाला जो लीफ्स आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, कलिया भी अच्छा आ रहा है लेकिन सोनाटा यूज़ करने के बाद, और मैं नीम ऑयल का भी स्प्रे करता हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड्स आप उसके अंदर फ्लावर भी दिखाऊँगा कि फ्लावर भी अच्छा है काफ़ी, देख सकते नीचे वाला लीफ्स वो वाला ही रह गया। तो फ्रेंड्स आप भी उसको रोज़ प्लांट्स को काफ़ी केयर किए, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकते हैं बहुत, और उसको रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं अभी रोज़ जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन नीचे वाला पत्ता वो ही रह गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदा लेता हूँ, आप अपने प्लांट्स को केयर करिए और खूब सारा गार्डनिंग करते रहिए। बाय।